32.5 years सर्विस किया। मैं डीएक्सएल में कैसे आया मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। 1989 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, देन 91 में बोईसर में बीआरसी में मेरा जॉब लगा। 91 में जॉब लगने के बाद चलता क्योंकि पेमेंट अच्छा था, हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग सब बढ़िया से एकदम था। प्रॉब्लम था तो केवल एक, सेहत की प्रॉब्लम। सेहत में मुझे स्किन का प्रॉब्लम था, चर्म रोग जो बोलते हैं, थोड़ा से शुरू हुआ था बचपन में, वो भी आठवीं में था तब। उस टाइम लोशन गांव वगैरह में लोशन होता है ये, फिर इसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर अगेन हो गया, एक इस तरह से चलता रहा। मैं जब इलाहाबाद में आई डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम भी स्किन स्पेशलिस्ट से भी दवा लिया, बट ठीक कुछ भी नहीं, थोड़ा आराम होगा, देन अगेन चलता रहा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, और वो थोड़ा से शुरू होके पूरे शरीर में हो गया था। गर्मी के टाइम में ये सब जगह पूरा मेरा लाल लाल हो जाते थे, एचिंग बहुत होता था। बस चल रहा था ऐसे ही, तो मैं मेडिटेशन करता था, योग वॉकिंग वगैरह सब चीजें करता था, तो थोड़ा सा बट एचिंग कंटिन्यूस होता था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमारे ग्रेट अप्लाई के लिए एक जोरदार ताली बजी। मेरे छोटे भाई योगेंद्र सर मेरे साथ में ही रहते थे कॉलोनी में, तो उनका सर के साथ, ललित सर के साथ में उनका काम चलता रहता था, और शाम को आते थे तो वो बोलते थे कि भैया आप एक काम करिए, प्रॉब्लम तो है तो आप ये स्टार्ट करिए। तो जैसा सब जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आती जाती हैं, तो मेरा भी ऐसे ही था कि बहुत सारी कंपनी आती जाती है, बंद हो जाती है, ऐसे चलता रहता है। और ऐसे ही मेरे रियल ब्रदर को मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ कि रियल ब्रदर को 6 महीने टालता रहा। ऐसे ही सोफा था, मैं लेट के सुनता था, बेचारे वो बैठ के समझाते थे, मैं लेट के सुनता था। थोड़ी देर में जब नींद आने लगती तो भैया नींद आने, अच्छा ठीक है, इतना उनका समझिए कि जो धैर्य है, फिर भी ग्रेट एज के लिए बोलेंगे उन्होंने छोड़ा नहीं। 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद फिर मैं बोला इतना प्रॉब्लम तो है, तुम जब भाई बोल रहे हैं तो क्यों नहीं मैं शुरू करूं। फिर आज जी जीएल से इस पार लेना गनो मसाज सो गनो जी सो इससे स्टार्ट किया, 2 महीने में मेरा जो एचिंग था वो खत्म हो गया। 2 महीने खत्म हो गया, देन कंटिन्यू प्रोडक्ट तो कंटिन्यू था, कंटिन्यू 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में पूरे बॉडी में जो दाग थे स्किन के दाग वाले वो खत्म हो गए। 6 महीने के बाद मुंबई में हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर नीलेश आसार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर नीलेश आसार की मीटिंग थी, ग्रेट अप्लाइंग बोले कि भैया एक मीटिंग चलेंगे क्या, मैं बोला चलिए। गए तो फिर डॉक्टर नीलेश आसार ने बोला राजाओं की जड़ी बूटी, जड़ी बूटियों का राजा खाने के लिए वो खोलते, तो बताने के लिए क्यों नहीं खोलते। लोग कितनी सारी प्रॉब्लम में होते हैं, सेहत से भी पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, गलत काम करते हैं कितने सारे। मेरा सर तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं और सही भी है, और मुझे ऑलरेडी मैं उसका खुद एक एग्जाम्पल हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब मैं गया, ऋषिकेनो टी का पंपलेट था लेके ऑफिस में गया, तो वहां जब बताने लगे तो सारे लोग बोले क्यों सर आप तेल साबुन बेचना चालू करते हैं। तो इस तरह से सब लोगों ने कहा ठीक है, मेरा तो मैं तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था इसमें, तो कंटिन्यूस इसी तरह से मेरा चलता रहा। और उसके बाद से मैंने सोच लिया कि अब जो है नेटवर्क भी बनाना है, तो आज 2 स्टार बचे हुए हैं डायमंड के लिए, 4 और।